सागर जिले के शहपुर से बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है, जहां दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे हादसे में घायल हुए हैं। तो देखिए, आपको बताते चले कि ये सारे बच्चे मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। जिस दीवार के पास बच्चे खड़े थे, उसकी स्थिति बेहद ही जर्जर थी और इस दीवार के पास कई बच्चे पहले से खेल रहे थे। जब दीवार गिरा तो कई बच्चे इस हादसे का शिकार हुए और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप कि घटना के बाद शाहपुर गांव में अफरा तफरी मच गई, दुख का माहौल है। गांव में तमाम लोग इस वक्त दुख भर नजर आ रहे हैं और आए भी कैसे ना। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जहां बुलडोजर से मलबे को हटाया जा रहा है, बच्चों का शव निकाला जा रहा है और वहीं घटना पर गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंच चुके हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं। गोपाल भार्गव ने बकायदा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की है। तो लगातार विस्तार न्यूज वो जर्जर भवनों की तस्वीरें आपको दिखाता रहा है, लेकिन अब एक हादसा हो गया। हम इसी हादसे के डर की पहले से ही बात कर रहे थे कि कहीं इस तरह की कोई बड़े हादसे ना हो जाए। देखिए, कई बच्चों की जान चली गई। उस पीड़ित परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, उन बच्चों की क्या गलती थी। बहुत ही सनसनीखेज खबर, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि 9 बच्चों के काल कवलित होने की खबर सुनकर मन व्यथित है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो देखिए, इस पूरे मामले में एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, एक टेंट में सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूंकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण एक दीवार मकान की धस गई और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। मैं शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था, वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जिनकी जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, वो भर भरा के दीवार गिरी और उसके बाद जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी और दोनों के बोझ से दब गए। धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें दीवार गिरने से करीब 11 बच्चों का यह हादसा हुआ। 2 बच्चे बताया गया सुरक्षित हैं, 9 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से मेरी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने सब परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया घायलों को दिए जाएंगे और जो भी बन सकेगा सरकार पूरे तरीके से इन सारे परिवारों के साथ है। परसराम साहू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। परस, अभी फिलहाल का क्या अपडेट है? कहा जा रहा था कि बच्चों को पहचानने की कोशिश की जा रही है, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी रेसिका, बिल्कुल बता दें, बहुत ही दुखद हादसा है। पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव, साथ ही प्रदेश सरकार के जो मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, वो भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, साथ ही उन्हें जो उनसे उनकी सीएम से भी बात हुई है। सीएम ने मामले में 4-4 लाख रुपए का, जो मृतक के परिजन है उनको आर्थिक मुआवजा का ऐलान किया है। साथ ही जो है पूरा जिला प्रशासन वो सागर पहुंचा हुआ है। साथ ही अभी तक ये जानकारी आ रही है कि 9 बच्चों की अभी मौत हुई है, बाकी 2 बच्चे जो है जिनका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है, उनकी हालत जो गंभीर बनी हुई है।